नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकार द्वारा पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के फैसले को लेकर स्कूल संचालकों में विरोध आ गया है। हालांकि उनका कहना है कि वह प्रशासन के किसी भी निर्णय के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह अपना एक अनुरोध सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वह इस निर्णय पर दोबारा से एक बार विचार कर ले। स्कूलों द्वारा कोरोना को लेकर सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, तो ऐसे में स्कूलों को बंद करने का कोई भी औचित्य नहीं है। डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे टैगोर बालनिकेतन स्कूल के प्रिंसिपल एवं सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के प्रधान राजन लांभा ने कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों की मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, जिसका प्रयोग वो पढ़ाई में नहीं बल्कि दूसरे एप्स में लगा रहे हैं, जिससे कि वह अपने रास्ते से भटक रहे हैं और गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। उनका सरकार से अनुरोध है कि वह अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करे, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि किसी स्कूल के द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती तो उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही कर सकता है। ज्ञापन के बाद करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्कूलों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उनके अनुरोध को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जब तक सरकार के आगामी आदेश नहीं आते तब तक पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यदि किसी ने नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हाँ दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदन और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि समय मौजूद करनाल के सेक्टर 12 से मैंने जिला सचिवालय में यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्कूल संचालक आए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद हो जाएगा, 30 अप्रैल स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन इसके विरोध में ये लामबंद हो गए हैं। इनका ये कहना है, इनका क्या कहना है कि स्कूल क्यों बंद किए गए, क्या ये गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रही या बच्चों की सुरक्षा को लेकर इनके मन में कोई भय है, तो मैं इनसे बात करने का प्रयास भी करूँगा कि आखिर ये क्यों आए। एवरेज में 20 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को लेकर क्लास वाइज स्कूल खुलना चाहिए, ताकि 20 की स्ट्रेंथ से बच्चा बैठेगा तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गैप से आएगा। हम एक क्लास को एक दिन मंडे 1 to 20, 21 to 40 ट्यूसडे, उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, गलत मैसेज, बच्चों का एक दिमाग फिर भटक जाएगा। और एक ट्रैक पे एजुकेशन लाइन आई थी, तो हमारा सरकार से अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से यही अनुरोध है कि स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। क्या कर रहे हैं अभी डीसी साहब को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं सीएम साहब के नाम कि वो हमारी रिक्वेस्ट को सीएम साहब तक पहुंचा दे, क्योंकि हम स्कूल वाले हैं, किसी भी लड़ाई दंगा या स्ट्राइक के फेवर में नहीं है, हम लोग शांति प्रिय ढंग से, गांधीवादी ढंग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कई जिलों में स्कूल जैसे सभी का बहुत सारी हमारी एसोसिएशन है जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसके खिलाफ करें, हम खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है, डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो करते हुए अपने उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें स्कूल खोलने की इजाजत दें। आए हैं हमारे भी कई टीचर आ रहे हैं सभी जगह, हम भी हमारे यहाँ भी फैमिलीज में कई बार रहते हैं। देखिए उसका एक अगर लग रहा है कुछ ऐसा तो हम अपने आप ही नहीं करेंगे कि स्कूल, कौन स्कूल चाहेगा कि उसके बच्चे को कोविड हो और बच्चा बीमार हो, तो हम नहीं चाहेंगे। अगर ऐसी कोई जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाएगा, जो चला नहीं पाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए जो फॉलो नहीं कर पाएगा। आपका नाम? हाँ, डॉक्टर राजन लांबा, प्रिंसिपल टैगोर बालनिकेतन, प्रेसिडेंट हूँ सभी सीबीएसई स्कूल करनाल का। सर, आज आपका आने का, यहाँ लांबा साहब आने का मकसद क्या, जबकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर, हम दिशा निर्देश की बिल्कुल अनुपालना कर रहे हैं और पालना को ध्यान में रखते हुए अपने उपायुक्त करनाल से सीएम के नाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करके और कुछ कंडीशंस के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। सर, अभी हरियाणा में काफी केसेस सामने आए, मामले स्कूलों से जुड़े लोगों से, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से और टीचर्स काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग ऑप्शनल ले रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम कोई भी कुछ नहीं कर रहे। जो पेरेंट्स इच्छा से भेजना चाहता है और जो स्कूल गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहता है, उनको परमिशन दे दी जाए। अगर हम बात की जाए, आप स्कूल एसोसिएशन के, सीबीएसई एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपने अपने विचार से और अपने साथियों के माध्यम से आपने क्या प्लान किया होगा कि अगर हम स्कूल खोले जाएं तो किस माध्यम से खोले जाए? प्रॉपर गाइडलाइंस उसको फॉलो करेंगे, जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा हम खुद ही नहीं चाहेंगे वो स्कूल खुले। तो सर, स्कूल में बैठने का सिस्टम क्या होगा? स्कूल बिल्कुल बैठने का सिस्टम, अगर 40 की क्लास है तो 20 से ऊपर एक बच्चा, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठना चाहिए, और वही पिछले 4 महीने से हम लोग चला रहे हैं।
सर, अगर अब बच्चों को स्कूल जैसे दोबारा से बंद हो गया, पिछले एक साल से बच्चे स्कूल नहीं जाते, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों नहीं, बंद नहीं हुए स्कूल, 9 to 12 ऑलरेडी ओपन है, स्कूल चल रहे हैं, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, बच्चा प्रॉपर आ रहा है, स्टाफ प्रॉपर आ रहा है, बस यही फर्क है कि इन्होंने एकदम से नर्सरी और 8 का बोल दिया बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा, बंद तो नहीं कहा है, तो 1 मई से अभी जो भी आदेश आएंगे उसको फॉलो होगा। सर, अगर हम बात करें स्कूलों में जो गाइडलाइंस हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, क्या जो 9 to 12 तक के बच्चे आ रहे हैं उनके उनके लिए भी स्कूलों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से, डी साहब की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पूरी कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है, मजिस्ट्रेट्स की टीमें बनाई हुई हैं डीसी साहब ने, अगर कहीं भी इस तरह का कोई अवेयरनेस होती तो स्कूलों के खिलाफ, अगर वो फॉलो नहीं करते तो हम खुद कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। सर, आपको क्या लगता है, जैसे अभी 30 अप्रैल तक नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक के स्कूल बच्चों को आना बंद करवा दिया गया, स्कूल में छुट्टियाँ कर दी गई हैं, इससे बच्चों की मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों को दिमाग में फिर आ गया तो बंद हो गया, ये तो बंद हो गया, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो सारा फिर ऑनलाइन हो गया। मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन का, जो बच्चा है वो भटक रहा है, बच्चा नेट के ऊपर कहीं और चल रहा है, कुछ और देख रहा है पढ़ते पढ़ते, और बच्चों की जो मानसिकता है वो टोटल चेंज हो रही है। आज आप किससे मुलाकात करने के लिए? उपायुक्त महोदय से टाइम लिए, 11:30 बजे का उनको ज्ञापन देंगे। देखिए, मैं और भी बात करने का प्रयास करूंगा। ये थे मेरे साथ राजन लांबा जी, इनका ये कहना था कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चे भटक रहे हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे, उनको पालना करनी चाहिए, उनको मैम आज आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? सर, रवि राजन लांबा सर ने बताया है कि जैसे प्रशासन ने लिया है, हम भी उनके साथ हैं, हमें भी खुश हैं उनके डिसीजन से, लेकिन क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि 6 to 8 के बच्चे काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, तो मुझे लगता है अगर हम लोग स्कूल के अंदर अपना SOP को अच्छे से फॉलो करें, हर स्कूल के लोग इतिहाद काफ़ी लेते हैं, और वैसे भी माँ बाप को ये दिया गया है ऑप्शन कि उनको ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन पेपर्स देने हैं, अगर उनको ऑफलाइन में अटेंड कराने में इंटरेस्टेड है तो मेरे को लगता है मैं उन्हें अच्छे से केयर करना सिखा कर SOP के इंस्ट्रक्शंस देके स्कूल में कॉल कर सकते हैं। आप कौन से स्कूल से हैं? पार्थ पब्लिक स्कूल। मैम, आप आज जो आप जिसलिए आप आए हैं, उस डिसीजन को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, क्यों सरकार ने कुछ ना कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा? देखो, सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो थोड़े समय के लिए लिया है, 30 अप्रैल तक हमें कहा गया कि स्कूल बंद कर दीजिए, लेकिन ये सभी जानते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं, आम जनता सभी समझती है कि जो ज़्यादा बाधित हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो बच्चों को हुआ है और शिक्षा को हुआ है। क्या 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, कोविड ऐसे ही रहेगा, कोविड की दूसरी लहर चल रही है और बहुत बुरी तरह चल रही है, और फिर भी हम सारे अपने काम बिना लॉकडाउन के चला रहे हैं, रैली भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं, तो शिक्षा पर ही क्यों ये प्रहार? क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को वो शिक्षा का रूप नहीं मिल पाता जो एक मिलना चाहिए। हम कोविड के चलते सारी SOP को मानने को तैयार हैं, पेरेंट्स खुद इच्छुक हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में लाके स्कूल बुलाया जाए, पढ़ाया जाए, तो इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार स्कूलों के माध्यम से पेरेंट्स से कंसर्ट मंगवाए जा रहे हैं कि वो भेजने के इच्छुक हैं या नहीं है, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया उनका यह कहना है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा जरूरी है। देखो, ये आपकी बात जिन पेरेंट्स से हुई होगी उनका ज़रूर मत होगा, क्योंकि एक जिस तरह से हवा बन जाती है कि कोविड की वजह से परेशानी आ रही है, तो वो पेरेंट्स कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। अब आप छोटा सा उदाहरण मैं अपने स्कूल में बताऊं कि जैसे ही स्कूल ओपन हुआ तो इतनी भारी संख्या में फिर वो उपस्थिति कैसे हुई? अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे पहले है, तो फिर एक भी बच्चा स्कूल नहीं आना चाहिए। मैम, अगर कोई भी स्कूल गाइडलाइंस की पालना नहीं करता तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी एसोसिएशन जिनके साथ आप खड़े हैं उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि गाइडलाइन क्यों नहीं पालना होगी, जब शिक्षा के प्रति हम जागरूक हैं और जिम्मेदार हैं और एक आम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है तो क्यों पालना नहीं होगी? हर व्यक्ति जिम्मेदार है, सभी पालना कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से या इन्फेक्शन कैसे हो सकता है उसके लिए तो कोई भी प्रमाण नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, बच्चा घर बैठे भी अपने उस इन्फेक्शन को ले सकता है, परिवार वालों से ले सकता है, रिश्तेदारों से ले सकता है, वो कहीं से भी इन्फेक्शन आ सकता है। मैम, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात की रहे तो उससे बच्चों की मानसिकता पर कितना कोई फर्क पड़ रहा है और बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ इसके नुकसान? हर बच्चा ऑनलाइन शिक्षा के लिए के काबिल नहीं है,
बच्चे की मानसिकता पर बहुत विपरीत असर पड़ा है ऑनलाइन शिक्षा से, क्योंकि जब ऑनलाइन शिक्षा होती है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपने आप को फुली कंसंट्रेट कर पाए, उस लेक्चर को अच्छे से वो अटेंड कर पाए, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग करने से आप भी अच्छी तरह जानते हैं कितने ज़्यादा स्वास्थ्य पर असर पड़े हैं। पेरेंट्स अच्छी तरह समझते हैं कि जो क्लास में या बच्चे टीचर के सामने शिक्षा ले सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं ले पा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है कि हम कहें कि ऑनलाइन से बच्चा जो है वो शिक्षा को अच्छी तरह ले सकता, नहीं ले सकता स्वास्थ्य पर भी। कौन से स्कूल से और आपका शुक्रिया? रेखा चौहान, SDMN विद्या मंदिर स्कूल, नीलोखेड़ी। देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़ी सारी संख्या में यहाँ पर स्कूल संचालक आए हुए हैं, इनका ये भी कहना है कि सरकार ने जो 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए हैं पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के, उस पर उनको सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चे गलत राह की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस आदेश के बाद? सरकार से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम स्कूलों को नहीं खोलेंगे तो बच्चों का जो अभी एक साल के अंदर हमने देख लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमने जो एग्ज़ाम्स लिए थे उसके अंदर उनकी क्या पोजीशन है, सभी बच्चों के रिजल्ट्स बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरे हैं। तो ये तो मैं उन बात कर रहा हूँ जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो वीक बच्चे हैं उनका तो और भी बुला, जो बेचारे कर ही नहीं सकते ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली जो विलेजेस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी इंटरनेट सुविधाएँ नहीं हैं, बहुत सी सुविधाएँ नहीं हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सर तो, आपकी सरकार से क्या, आप डीसी साहब से मिलने के लिए तो आप सरकार हम विनती करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुने, हम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं उसको आप पढ़ें, और अगर उनको ठीक लगता है तो हमारी बात CM साहब तक पहुँचाए ताकि हम स्कूल। मैं संजय भाटिया, प्रताप पब्लिक स्कूल। देखिए ये थे मेरे साथ संजय भाटिया जी, प्रताप पब्लिक स्कूल से। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से स्कूलों के रिजल्ट पिछले एक साल में देखने को बेहद ही निराशाजनक थे, ऑनलाइन के माध्यम से इंटेलिजेंट बच्चों का तो रिजल्ट डाउन आया है, इसके अलावा जो बच्चे थोड़े से वीक थे उनका रिजल्ट और भी ज़्यादा पुअर आया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अपने इस फैसले पर पुनः विचार करे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से एक और ड्रॉबैक जो निकल कर सामने आ रहा है, बच्चों के हाथ छोटे छोटे बच्चों के हाथों में माँ बाप को मजबूरन मोबाइल देने पड़ रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बच्चे गलत राह की तरफ भटक रहे हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन कक्षा को लगाने की बजाय कहीं और जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठे इनका इनकी सबकी ये डिमांड है कि ये DC साहब को मैं मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। धन्यवाद। बंद किए गए हैं वो खुलने चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनकी तरफ से ज्ञापन एक दिया गया है जिसमें जो हरियाणा सरकार ने पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक के को में बच्चे आने पर रोक लगाई है, तो इन्होंने एक ज्ञापन के जरिए ये कहा है कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, दोबारा सोचे, तो उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। हाउएवर साथ में इनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी दिया गया है कि जब तक सरकार इस फैसले को रिकंसिडर करती है तब तक ये सरकार के फैसले के साथ हैं, और मैं सारी के सारी जो सरकारी प्राइवेट सारी स्कूलें हैं हरियाणा बोर्ड की, CBSE की, बाकी सभी अन्य बोर्ड्स की, उनसे आग्रह करूँगा कि पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल ना बुलाएं स्कूल में। अगर कोई भी स्कूल इन गाइडलाइंस का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो सख्त कार्रवाई का होगी। सभी स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो ये चाहते हैं कि तकरीबन 60-70% की अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और छोटे बच्चों के खासतौर पर जैसे कि दूसरी तीसरी चौथी क्लास के हैं उनके स्कूल बंद ही रहने चाहिए, जैसे कि सरकार ने 8वीं कक्षा तक के जो है बंद रहने के आदेश दिए हैं, तो सभी स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और करनाल में पर्टिकुलरली रोज़ाना 300 के आसपास केसेस आ रहे हैं, और इसमें कोई अचंभा नहीं होगा अगर आने वाले एक दो दिन में और सख्त कदम उठाए जाएँ। तो इस सिलसिले में चूँकि बच्चे हमारे छोटे बच्चे होते हैं विशेष रूप से, वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के, तो इसलिए ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। फिर भी इनकी बात सरकार से चर्चा करेंगे, तब तक इन्होंने अश्योर किया कि सरकार के फैसले के साथ। ठीक है, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक